नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल ए टू जेड रिपेयरिंग में। दोस्तों ये ओनिडा कंपनी का 24 इंच का सीआरटी टीवी का किट है और इसको मैं पिक्चर ट्यूब से अलग कर लिया हूँ। जैसा कि देख सकते हैं ये इसका पिक्चर ट्यूब है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी टीवी में जो है आउटपुट ट्रांजिस्टर जो ये वाला होता है ईएसटी के बगल में, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर बार बार जलने का क्या रीज़न होता है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है हर मैकेनिक के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता है या टीवी का काम करता है। तो सबसे पहला रीज़न होता है ये आउटपुट ट्रांजिस्टर जलने का कि ये जो हमारा एसएमपीएस पावर सप्लाई है, यानी कि इसका जो पावर सप्लाई है 110 वोल्ट इससे आउट होता है। तो ये सप्लाई अगर ज़्यादा आउट होगा तो भी हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर ये वाला ट्रांजिस्टर खराब हो सकता है। तो ज़्यादा वोल्टेज का मतलब है कि 110 से 115 वोल्ट तक जो होता है वो नॉर्मल वोल्टेज होता है, और 115 से ऊपर 120, 125, 130 या 150 अगर इस तरह का वोल्टेज आउट हो रहा है ये पावर सप्लाई से, तो आउटपुट ट्रांजिस्टर जो है जल्दी जल्दी ख़राब होगा या हो सकता है कि लगाते के साथ भी ख़राब हो। तो वो सप्लाई को कहाँ पे चेक करेंगे, ये जो हमारा एसएमपीएस ट्रांसफार्मर है इससे आउट होकर के जो है ईएसटी पे जाता है सप्लाई। तो यहाँ पे देख सकते हैं इधर से दूसरा नंबर पिन से इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर पे गया हुआ है सप्लाई। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आया हुआ है और यहाँ से जम्फर लग के एक डायोड लगा हुआ है और यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ से देखिए ये सप्लाई यहाँ पे गया हुआ है, और यही सप्लाई जो है वो ईएसटी के दूसरा नंबर पिन से, यानी कि इधर देखेंगे तो पहला नंबर और इससे जो है ये आउटपुट ट्रांजिस्टर के बीच वाला पिन पे जो है सप्लाई जाता है। तो अगर ये यहाँ पे चेक करेंगे ये कंडेंसर पे, तो अगर 115 वोल्ट से ज़्यादा बता रहा है तो आउटपुट ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाएगा। तो पहले पावर सप्लाई में देखना है कि कहाँ से गड़बड़ी है कि ये जो 110-115 से ज़्यादा बना रहा है। और दूसरा रीज़न होता है जो कि यहाँ पे बूस्ट पीएफ होता है, देखिए ये बूस्ट पीएफ अगर ख़राब हो जाएगा तो भी ये आउटपुट ट्रांजिस्टर जो है जल्दी जल्दी ख़राब होगा। तो ये बूस्ट पीएफ को कैसे चेक करेंगे कि ये बूस्ट पीएफ है, क्योंकि किसी किसी किट में यहाँ पे 2-3 पीएफ लगा हुआ होता है। तो जो नए इलेक्ट्रिशियन होते हैं जो उनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, तो सिंपल सा तरीका है देखने का, तो ये आउटपुट ट्रांजिस्टर का बीच वाला लेग से ग्राउंड में लगा हुआ होता है बूस्ट पीएफ। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये आउटपुट ट्रांजिस्टर का बीच वाला लेग पे यहाँ पे एक लेग है पीएफ का और एक लेग यहाँ है जो कि ये ग्राउंड है। तो इस तरह से आपको देखना है, तो ये अगर तो जब भी आउटपुट ट्रांजिस्टर अगर ख़राब और बदल रहे हैं तो ये पीएफ को एक बार बढ़िया से देख लें कि ये फटा हुआ नहीं है या फूला हुआ नहीं है, जला हुआ नहीं है, मतलब कि बढ़िया से वेरीफाई कर लेना है कि ये पीएफ जो है सही है। अगर डाउट हो तो पीएफ जो है सेम नंबर का जो है आप लगा करके जो है आउटपुट ट्रांजिस्टर को लगा सकते हैं। और तीसरा रीजन जो होता है वो दोस्तों वो ये ईएसटी का होता है। जैसा कि देख सकते हैं इसमें जो है ये ईएसटी का यहाँ पे जला हुआ है, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एमसील दे देते हैं। तो एमसील देने से टेम्पोररी काम तो चल जाता है, लेकिन बाद में जो है ये आउटपुट ट्रांजिस्टर जो है ख़राब हो सकता है, क्योंकि ईएसटी क्योंकि यहाँ जलने का रीज़न होता है कि ये ईएसटी जो है हाई करंट जो है बनाने लगता है, तो भी जो है हाई करंट बनाने के वजह से ये आउटपुट ट्रांजिस्टर जो है जल्दी जल्दी जो है ख़राब होता है। और दोस्तों चौथा रीज़न जो होता है वो पिक्चर ट्यूब में लगा हुआ योक अगर शॉर्ट हो जाएगा तो भी जो है आउटपुट ट्रांजिस्टर ख़राब होगा। तो ये योक जब शॉर्ट हो जाएगा तो मीटर से आप इसे नहीं चेक कर सकते हैं, इसको जो है बदल कर कहीं देखना पड़ता है, तो वो काम करते करते अनुभव हो जाता है। तो दोस्तों अब रह गई बात कि अगर इसमें देखेंगे कि ये जला हुआ नहीं है फिर भी जो है ख़राब हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये वायर यहाँ पर जल गया है तो जानेंगे कि ख़राब है। अगर आउटपुट ट्रांजिस्टर जो है हमारा बार बार ख़राब हो रहा है लगाने से, तो हमें जो भी प्रोसेस बताया उसको जो फॉलो करना है। तो दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज भी आप चेक कर लिए, वोल्टेज जो है 110 वोल्ट आउट कर रहा है और ये पीएफ को भी बदल दिए, इसके बाद भी यदि जल रहा है आउटपुट ट्रांजिस्टर तो सबसे पहले आपको ईएसटी जो है बदलना है, ठीक है। और नहीं तो फिर ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि जब लाइन दे रहे हैं किट में तो योक का कनेक्शन जो है आप नहीं दें, ठीक है, योक का कनेक्शन नहीं दें। इसके बाद देख लें एक घंटा तक जो है लाइन देके या 10 मिनट में ही पता चल जाएगा अगर जलने का रहेगा, मतलब योक अगर शॉर्ट रहेगा या ईएसटी का फॉल्ट रहता है तो तुरंत लगाने के 5 मिनट के अंदर ही जल जाता है। तो योक का कनेक्शन सपोज कीजिए कि ये आउटपुट ट्रांजिस्टर जो है बार बार जल रहा है तो अभी इसमें लगाए हैं तो अभी हम योक का कनेक्शन नहीं देंगे, ठीक है, और इसमें लाइन देंगे। तो अगर दोबारा से
जल जाता है तुरंत, तो इसका मतलब ये है कि योक का तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि योक इसमें नहीं लगाए हैं, तो ये ESD का फॉल्ट समझेंगे। और अगर जो है योक का कनेक्शन नहीं लगाए हैं और आउटपुट ट्रांजिस्टर लगाने के बाद में 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा अगर आउटपुट ट्रांजिस्टर नहीं जलता है, और फिर क्या करेंगे, योक का कनेक्शन जो है किट में डाल देंगे और फिर दोबारा से देखेंगे कि जो है आउटपुट ट्रांजिस्टर जल रहा है कि नहीं। अगर योक का कनेक्शन करने के बाद में 5-10 मिनट में अगर तुरंत से जो है ये आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाता है, तो हम जानेंगे कि योक का प्रॉब्लम है। तो इस तरह से जो है आप जो है इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं आउटपुट ट्रांजिस्टर बार बार जलने का। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही चक्कर है, इसमें मैं लाइन दे रहा हूँ तो किट 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 का आवाज़ कर रहा है, और यहाँ पे देखें तो ये जला हुआ है, जैसा कि देख सकते हैं आपके सामने दिख रहा है। तो अभी जो है इसमें मैं आउटपुट ट्रांजिस्टर लगाने वाला नहीं हूँ बिना इसको चेंज किए हुए, क्योंकि अगर इसको मैं अभी लगाता हूँ तो दोबारा से ये ख़राब हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि ये ESD और ये आउटपुट ट्रांजिस्टर दोनों को एक साथ जो है चेंज करेंगे। तो इसका नंबर 1803 है। तो चलिए अभी इसका ESD जो है खोल लेते हैं, और खोलने के बाद में देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों इसका ESD को मैं खोल लिया हूं, और इसका नंबर देख सकते हैं L15001 है। तो ये ESD को मैं मार्केट में पता किया तो ये सेम नंबर का ESD नहीं मिला, तो इसके जगह पे दूसरा नंबर जो है मैं लाया हूँ, और मिला करके मैं खुद मिला करके लाया हूँ, और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये नंबर काम कर रहा है कि नहीं। तो देखिए N0140 है, फिर 0194 है, तो यहाँ पे नंबर यही है लिखा हुआ। मैं एक बार फोकस करके दिखा देता हूँ, देखिए इसका नंबर देख लीजिए, और ये नंबर बिल्कुल दोनों नंबर जो है डिफरेंट है। तो दोस्तों अगर कोई ESD सेम नंबर का मार्केट में नहीं मिल रहा हो तो उसके जगह पे दूसरा ESD कैसे मैच करा के लगाते हैं, इस पर एक सेपरेट वीडियो मेरा अगला वीडियो आएगा, तो वो वीडियो आप देखिएगा। इस वीडियो में मैं ये ESD और इसका जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है ये लगा करके दिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें मैं ESD लगा लिया हूँ, और अब जो है इसमें आउटपुट ट्रांजिस्टर लगा लेते हैं। तो आउटपुट ट्रांजिस्टर लगाने के लिए इसमें थर्मल पेस्ट का यूज करेंगे। थर्मल पेस्ट का यूज करने से ये जो है कम हीट होता है, हीट को बर्दाश्त करता है थर्मल पेस्ट, जिसके कारण जो है जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो चलिए इसमें हम आउटपुट ट्रांजिस्टर लगा के देखते हैं। तो दोस्तों किट में मैं आउटपुट ट्रांजिस्टर लगा लिया हूँ, और इसमें जो है मैं अभी लाइन दे करके देखता हूँ कि लाइन देने से क्या हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर जो है दोबारा से ख़राब होता है या नहीं। तो अभी मैं इसमें लाइन दे चुका हूँ, और लाइन देने के बाद में देख सकते हैं इसका इंडिकेटर ग्लो हो रहा है, और ये स्टैंड बाय से रिलीज नहीं हुआ है, तो इसको स्टैंड बाय से रिलीज करना है। देखिए TV जो स्टैंड बाय से रिलीज हो चुका है, क्योंकि ESD कैप के पास से हल्का हल्का जो है आवाज आ रहा है, और देख सकते हैं कि करंट फ्लो होने के कारण जो है यहाँ पे एक डस्ट है वो बबलिंग कर रहा है। छोड़िए मैं आपको जो है इसका वोल्टेज ही चेक करके दिखा दे रहा हूँ, और जब तक वोल्टेज चेक करता हूँ तब तक पता भी चल जाएगा कि जो है हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो ख़राब हो रहा है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले इसका 180 वोल्ट चेक करते हैं, तो देखिए यहाँ पे 155 वोल्ट आउट हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसका हीटर का सप्लाई चेक करते हैं, तो देखिए 2 वोल्ट जो हीटर का सप्लाई आउट हो रहा है, देख सकते हैं 3 वोल्ट है, 2-3 वोल्ट है, देख सकते हैं। तो ये हमारा स्टैंड बाय से रिलीज हो चुका है किट, और अभी 5-7 मिनट देख लेते हैं। तो दोस्तों किट में मैं 10 मिनट लाइन दे करके छोड़ दिया हूँ, और ये अभी हमारा किट जो है स्टैंड बाय से रिलीज है, और अभी तक जो है ट्रांजिस्टर जो है नहीं शॉर्ट किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।